आदरणीय भाई संदीप जोशी जी, जिला नूह के अध्यक्ष भाई दीपक भाई नरेंद्र पटेल जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दीपक शर्मा साहब, प्रदेश महिला के अध्यक्ष आदरणीय बहन उषा प्रियदर्शनी जी, आदरणीय गोपीचंद गहलोत साहब, पूर्व विधायक और डिप्टी स्पीकर आदरणीय आजाद साहब और बहुत ही काबिल एहतराम भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी साहबान, नेता साहबान, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय माताओं बहनों, आदरणीय पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों और अधिकारी साहबान, मैं आज इस दाऊ की पावन धरती पर मेवात क्षेत्र में आने पर और इस दाऊ की पावन धरती पर जहां से मुझे पहली बार निर्दलीय विधायक बनकर मैंने अपनी जिंदगी की राजनीतिक पारी शुरू की थी, आज उस धरती पर मैं हरदिल अजीज हमारे लोकप्रिय परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका खैर मकसद करता हूं। और नायब सैनी साहब, आज मेवात में रमजान के मुबारक मौके में आप तशरीफ लाए हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है और साथ ही साथ कल होली का पावन पर्व भी है। मैं होली के पावन पर्व की थी जिसमें अभी फणीन्द्रदार ने गुलाल लगाकर सबको मुबारकबाद दिया, आशीर्वाद दिया, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। आज मेवात में माननीय सैनी साहब आए, उनके साथ सभी वरिष्ठ नेता आए, मैं ये बात कहना चाहता हूं और आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में और फिर प्रदेश में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसमें आदरणीय सैनी साहब ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंत्री के तौर पे जहां पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया, पूरे प्रदेश की तरक्की का ध्यान किया, मैं दावे से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने मेवात पे दिया और मेवात की धरती गवाह है कि वो बतौर मंत्री मेवात में सबसे ज्यादा हुआ है, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने मेवात को हमेशा तरजीह दी है और मेवात को उनका प्यार मिला है। आज भी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनके लिए उनको मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में बनकर आए हैं, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा साहब का, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सभी नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर उन्हें हमें प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो लोगों से जुड़ा हुआ। और मैं प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय फणीन्द्रनाथ जी का भी, सैनी साहब का भी और मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने भाई संजय सिंह को बहुत से ही उन्होंने जो मंत्री बनाया है, जो छोटे भाई को इज्जत दी है, ये मेवात क्षेत्र को इज्जत दी है, मेवात से उन्होंने जो मंत्री बनाया है, इसके लिए भी मैं मेवात की पूरी जनता की तरफ से, मेवात की 36 बिरादरी का चौधरी होने के नाते पूरी मेवात की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाई संजय सिंह जी के मंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से मेवात क्षेत्र दिन दूनी रात चौनी तरक्की करेगा, क्योंकि खुद सैनी साहब का इतना प्यार है और हमें आशा ही नहीं, हमें यकीन है कि जो कार्य यहाँ पर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो शुरू किए, आज जिससे मेवात मोदी जी के नेतृत्व में आकांक्षी जिलों में आने के बाद आगे बढ़ा है, जिसे नायब सैनी साहब बतौर मंत्री और बतौर प्रदेश अध्यक्ष खुद उसको टीम में आगे रखकर देखते रहे हैं, वो कार्य
चलेंगे ही नहीं बल्कि इतनी रॉकेट की स्पीड से चलेंगे जैसे चंद्रयान चांद पे गया है, मेरे बाद पूरे हरियाणा में नंबर एक पे होगा। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आदरणीय सैनी साहब को, आदरणीय फणीन्द्र नाथ जी को, कमाल मंच पर और सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव की बात हो चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव की बात हो, क्योंकि पिछले जो विधान लोकसभा 2014 में मेवात की तीनों सीटों से नुहू फिरोजपुर झिरका और पुहाना से ना तो लोकसभा में लीड मिली और ना तीनों में कोई एमएलए बना। यही बात 2019 में हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं आज देख रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय मनोहर लाल जी के और आदरणीय नायक सैनी सिंह जी के नेतृत्व में मेवात क्षेत्र में इतना काम हुआ कि सबसे पहले तो 2019 में जहां लोग एमएलए बनने के लिए पार्टी बदलते हैं, मैंने 25 जून को एमएलए से इस्तीफा दिया था और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। वो इनके कामों की देन थी माननीय मनोहर लाल जी के सैनी साहब, इनका भाई वाला प्यार मिला, मेवात को इनका प्यार मिला। और ये शुरुआत जब हुई, आज उनके कामों की देन है, उनके प्यार की देन है, आज तो पूरी मेवात भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, पूरी भगवा रंग में हो गई है। और मनोहर लाल जी ने जो काम चलाए, आज सैनी साहब इतना शानदार काम कर रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ आज इनको कि लोकसभा के चुनाव में भी हमारे संयोजक भी बैठे हैं मनीष मित्तल साहब, कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि पहले से तीन गुना नहीं बल्कि मेवात की तीनों सीटों पे दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करा के भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीतेगी लोकसभा में। रामजगजीत सिंह जी यहाँ बहुत शानदार तरीके से जीत कर जाएंगे, आपके नेतृत्व में ये चुनाव होगा और विधानसभा में भी तीनों सीटों पे इंशाल्लाह यहाँ कमल खिलेगा आपके आशीर्वाद से। और मैं आपको जिला नूह की तरफ से भी आज भी आप मेवात सिर्फ और है क्योंकि ताज है दाऊ मेवात का, और मैं खुद यहाँ से प्रतिनिधि रहा हूँ दो बार, उनको भी मुझे प्यार मिला, मेवात से मिला है। मैं आपको दावा देता हूँ कि अगली जनसभा आप हमारी नूह में आप करें और इस चुनाव में अगला आप करें। मैंने माननीय कृष्ण बेदी जी को प्रमोट भी करा दिया है, मैंने और पटेल साहब ने और सभी हमारे यहाँ नेता आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को शाम को भी जागरण को मान पहुंच रहा है, दिन में तो बहुत सी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से अपना बार बार यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और परम आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी का जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में फणीन्द्र नाथ जी हैं, उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः पावन पर्व होली की आप सबको बहुत मुबारकबाद। और एक बार फिर सभी नेताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार पुनः भाई संजय सिंह जी को और जो हमारे युवा साथी बनाए हैं, क्योंकि मेवात की धरती से जुड़े हुआ है ऐसा एक नाम, अगर मैं नाम ना लूं, दो नाम ऐसे हैं, एक तो हमारे भाई सुभाष सुधा, उनको आपने मंत्री बना के मौका दिया, उसको भी मेवात का उतना ही है जितना कुरुक्षेत्र का है। ऐसी हमारी बहन सीमा त्रिखा जी हैं, उनको भी आपने बनाया, मैं उसके लिए भी आपका मेवात की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।